नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है उससे संबंधित जानकारी दोस्तों हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों बहनों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। मार्च तक आंगनवाड़ी केंद्रों का होने वाला है कायाकल्प, यानी जल्द ही बहनों के मानदेय में आपकी बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही बहनों को है वो यात्रा भत्ता, पेंशन, साथ ही है यहाँ स्वास्थ्य भत्ता भी सरकार देने की तैयारी कर रही है। क्योंकि दोस्तों बहनों का 10 मार्च तक ये इंटीमेट दिया हुआ है कि अगर 10 मार्च तक आपकी सरकार ने है वो यहाँ बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया तो एक बार फिर से बहने हैं वो धरने और प्रदर्शन और बैठ जाएगी। और सरकार को ये डर है और अगले महीने से आपका NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें बहनों की आपकी अहम भूमिका रहने वाली है। तो सरकार ये चाहती है कि जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है वो प्रभावित ना हो सके, तो इसलिए बहनों का जल्द ही है मानदेय में आपकी बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ आपका 18,000 रुपये तो मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, बट आपके मानदेय में है कुछ आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। और जल्द ही सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा मानदेय है वो दिल्ली में बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बहनों का मानदेय 10 से 12 हज़ार रुपये है, वो पहले कर दिया गया था। साथ ही केजरीवाल सरकार ने वायदा किया था कि जैसे उनकी एक बार फिर से सरकार बनेगी तो बहनों को है एक बार फिर से मानदेय बढ़ने का तोहफा देने जा रहे हैं। बाकी राज्यों में भी आपका जल्द ही मानदेय बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में सभी राज्यों का है वो मानदेय संबंधी न्यूज देखने वाले हैं, साथ ही सभी राज्यों की छोटी छोटी खबर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी बहनों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है उसे संबंधित जानकारी हम अब तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप कौन से राज्य में कार्य करते हैं आंगनवाड़ी में, साथ ही हाल फिलहाल में आपको कितना मानदेय दिया जा रहा है और आपकी क्या मांगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। तो सभी खबरें हैं पूरा डिटेल से देख लेते हैं। मार्च तक हो आंगनवाड़ी केंद्रों का कार्यकलाप, तो यहाँ दोस्तों ये जौनपुर का न्यूज है और आपको यूपी के लिए हम न्यूज बता देते हैं कि यहाँ यूपी में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है उनको आपका प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा है वो सरकार देने जा रही है। उसकी प्रक्रिया भी आपकी शुरू हो चुकी है, तो जैसे ही आंगनवाड़ी केंद्रों को है प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा मिलेगा तो बहनों का जो मानदेय है वो ऑटोमेटिकली है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि बहनों को प्राइमरी स्कूल का टीचर का दर्जा मिलेगा और बहनों का मानदेय में आपकी बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही बहनों के प्रमोशन को लेकर भी यहाँ बड़ी आपकी न्यूज आ रही है कि योगी सरकार तैयारी में है कि जो भी हायर लेवल एजुकेटेड आपकी बहनें हैं उनको जल्द ही है प्रमोशन का फ़ायदा भी सरकार देने जा रही है, क्योंकि जो भी प्री प्राइमरी स्कूल होगी वहाँ बच्चों को जो भी आपकी फर्स्ट और आपकी सेकंड क्लास तक के बच्चों को है पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में ही करवाई जाएगी, तो यहाँ सरकार आपको बड़ा तोहफा देने जा रही है। अगली खबर है जिले में 155 आंगनवाड़ी केंद्रों की सोगा, तो यहाँ न्यूज है गोंडा का। जिले में 155 आंगनवाड़ी केंद्रों अपने खुद के भवन होंगे, शासन के लिए बजट अमुक्त कर दिए हैं, जिसके ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़कर 500 पहुंच जाएगी जिसके अपने खुद के भवन होंगे। अभी तक ये संख्या 345 है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के पास उनके खुद के भवन नहीं है, ऐसे में केंद्र के संचालन में है कई जगह परेशानी भरा है। जिले में 155 नए आंगनवाड़ी केंद्र के भवन बनाने की धनराशि मिली है, जिसमें से 22 केंद्रों के लिए बजट कार्यदायी संस्था को दे दिया गया है। एक आंगनवाड़ी केंद्र के भवन में एक कक्षा के कक्ष में अलावा एक छोटा स्टोर रूम बनाया जाएगा, जिसके साथ एक बेबी फ्रेंडली टॉयलेट भी बनाया जाएगा। इसे पूरे प्रोजेक्ट के लिए है तकरीबन 7 लाख रुपए का खर्च आना है, जिसमें 2 लाख रुपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र के हिसाब से शासन बाल विकास विभाग को मिलता है। इसमें 1.5 लाख रुपए वो ग्राम पंचायत खर्च करेगी, साथ ही जहां केंद्र बनाया जाता है वहां साथ ही शेष धनराशि मनरेगा योजना के तहत है वो खर्च कर भवन का निर्माण है वो करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी सभी राज्यों की आंगनवाड़ी संबंधी न्यूज। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि लगातार आंगनवाड़ी बहनों से संबंधित जो भी मांगे होती हैं उनसे संबंधित जो भी मानदेय संबंधी न्यूज होती है हम जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथी बहनों के साथ भी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि लगातार हम आपको संबंधित जो भी न्यूज होती है तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।